एवरीबडी, क्लास 9th वर्कशीट 12th, तारीख है 31 जुलाई 2020। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ज्ञान, वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर फिजिकली, देन अ स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेंड कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। किसी भी चीज़ को कितना भी तोड़ा जाए, एक समय आता है उसके बाद उसको उससे ज़्यादा टुकड़े नहीं किया जा सकते। इन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, क्या तुम बता सकते हो? जिज्ञासा दीदी, साइंटिफिकली दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। अब आएगी डेफिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। दीज मॉलिक्यूल्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड केमिकली टू फॉर्म अनदर इनडिविजिबल पार्टिकल नोन एज एटम। एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर। तो यहाँ पर दो डेफिनेशन है बच्चे, एक है मॉलिक्यूल की डेफिनेशन, एक है एटम की डेफिनेशन। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। देखो बच्चे, एटम, मॉलिक्यूल, एटम, मॉलिक्यूल, एटम, मॉलिक्यूल। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट। ये फ़र्क होता है एटम और मॉलिक्यूल में। कोई भी पार्टिकल इंडिपेंडेंट फॉर्म में कहीं भी नहीं मिलता है, किसी भी एटॉमिक फॉर्म में कोई चीज़ नहीं मिलती है। वो हमेशा किस फॉर्म में पाई जाती है? हमेशा वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही पाई जाती है, और कई बार मॉलिक्यूलर फॉर्म में वो स्टेबल हो जाती है अपने ही साथ, अलग अलग अपने ही जैसे और एटम्स के साथ बॉन्ड बनाकर वो क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, और वो कहीं और, ताकि वो कहीं भी सर्वाइव कर सके। तो जैसे कि हमारे हवा में क्या है, ऑक्सीजन है, सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है, नाइट्रोजन है। दोनों ने नाइट्रोजन के साथ कुछ शेयर किया हुआ है अपना बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन को कितने और चाहिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 7, दैट मीन्स इट शुड हैव 2 एंड 5। इतने हो गए इलेक्ट्रॉन पहली शेल में, 2 दूसरी में, 5, जबकि चाहिए कितने, 8, 2, 8 ऐसे चाहिए ना। तो 3 चाहिए नाइट्रोजन को, तो 2 नाइट्रोजन मिलके क्या करती हैं, आपस में एक बॉन्ड बना लेती हैं। ये 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेती हैं, ठीक है। जब इसको चाहिएगा तो इसके सारे, जब इसको चाहिएगा तो इसके सारे। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नहीं, इसी में दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रही थी ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन एटम कहीं नहीं मिलता, लेकिन ऑक्सीजन गैस ज़रूर मिलती है, O2। ऑक्सीजन अपने ही साथ बॉन्ड बना लेती है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ऑक्सीजन की वैलेंसी बनती है 2 और 6 बनता है एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अब इसको कितने चाहिए बाहर वाली शेल में, 2 और चाहिए ताकि ये कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए क्या करती है ऑक्सीजन, अपनी सहेली के साथ 2 बॉन्ड शेयर कर लेती है ऐसे, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, हाउ बिग आर एटम्स, कैन यू सी देम, एटम कितने बड़े होते, क्या तुम उन्हें देख सकते हो? नो दीदी, एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर जितना आप सोच सकते हो उससे भी ज़्यादा स्मॉल। द साइज ऑफ एटम्स इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स, एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 मीटर, यानी 1/1 बिलियंथ पार्ट, 1/10 करोड़, ठीक है, ये होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, मोस्ट ऑफ द एटम्स आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर, सो दे रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ स्टेबल फॉर्म। दो आपस में रिएक्ट कर देते ताकि एक मॉलिक्यूल बना ले, जैसे कि ऑक्सीजन ने, मैंने अभी भी आपको एग्जाम्पल दिया। यहाँ पर एक और चीज़ को डिस्कस किया गया है कि कितना साइज होता है किसी भी एटम का या किसी भी चीज़ का। देखिए, एटम का साइज होता है 10^-10 मीटर, वाटर मॉलिक्यूल होता है 10^-9 मीटर, सैंड पार्टिकल होता है 10^4, आंट होती है 10^-2, और तरबूज होता है 10^-1, यानी कि 1/10 मीटर लगभग इतना होता है। अगला क्वेश्चन अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, बिकॉज मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन कहता है, व्हाट आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट 2 लाइंस व्हाट आर एटम्स एंड व्हाट आर मॉलिक्यूल्स, यू विल जस्ट कॉपी इट फ्रॉम हेयर, डोंट राइट दिस। मॉलिक्यूल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। दीज मॉलिक्यूल्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड केमिकली टू फॉर्म इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड नोन एज एटम। एटम्स आर कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, फिल इन द ब्लैंक्स, द साइज ऑफ द एटम्स इज मेजर्ड इन, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं बिकॉज आई एम, ताकि मैं आराम से लिख सकूँ। कितना होता है साइज ऑफ एटम, किस में नापते हैं बेटा, 10^-9 मीटर, यानी कि नैनोमीटर में नापते हैं। किस में नापते हैं,
नैनोमीटर में नापते हैं। एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10^-9 मीटर होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल कितना होता है? वाटर मॉलिक्यूल होता है 10^-9 यानी कि 1 नैनोमीटर। एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? एटम ऑफ हाइड्रोजन होता है 10^-10 मीटर यानी कि 1/10 नैनोमीटर, है ना, क्योंकि 10^-10 है। 10^-9 का मतलब क्या होता है बच्चे, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 10^-10 का मतलब क्या होता है, इसको समझाती हूँ। एक के नीचे 10 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें से अगर मैं एक जीरो काट दूँ और इसको ऐसे लिख दूँ 1/10, कोई दिक्कत तो नहीं, है ना। और ये क्या है, ये क्या है? नैनोमीटर। तो मैंने लिखा 1/10 नैनोमीटर, 1/10 नैनोमीटर, यही लिखा ना मैंने यहाँ पर। एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना बड़ा लिखा? 1/10 नैनोमीटर लिखा, क्योंकि वो होता है 10^-10 मीटर होता है, वो उससे भी छोटा होता है, जो जिससे एटम से भी छोटा होता है। नेम एनी थ्री एटम्स, चलो बेटा नेम थ्री एटम्स। आई विल टेल यू द नेम्स ऑफ द एटम्स एज पर द पीरियोडिक टेबल। जैसे 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 एलिमेंट है वैसे वैसे उनके एटम होंगे। एलिमेंट कैसे कैसे हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लीडियम, बेरेलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यही है इनका एटॉमिक नंबर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये है इनके एटॉमिक नंबर। इसका मतलब है ये हमें याद हो गया। अब हमें याद हो गया कि कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, दूसरे नंबर का एटम लीडियम, हर एक एटम अलग होता है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये हैं आपके सारे एटम्स के नाम, बिकॉज़ ये सारे क्या हैं, किसी न किसी एलिमेंट के नाम, और एक एलिमेंट में एक ही तरह के एटम होते हैं। आई होप आई एम एबल टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स अबाउट द एक्सरसाइज। इन केस ऑफ एनी डाउट डू कंसल्ट, इसकी हिंदी की जो वर्कशीट है उससे भी कंसल्ट किया कीजिए बेटा। एक वर्कशीट जो आप करते हैं ना इंग्लिश या हिंदी मीडियम में, किसी भी मीडियम में करते हैं, उसको दूसरी वर्कशीट जो मैं भेजती हूँ ना बेटा, उसको ज़रूर पढ़ के सुन के देखिए। सुनने से कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप लेट कर भी सुन सकते हैं, बैठ कर भी सुन सकते हैं, आप रात को भी सुन सकते हैं, दिन में भी सुन सकते हैं। अब तो आपकी क्लासेस कभी भी हो सकती हैं, आपके टाइम के हिसाब से हो रहा है सब कुछ। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें भी आप लोगों के लिए बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो मिलते रहिए अगली वर्कशीट के साथ, मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बच्चे, गुड नाइट, टेक केयर।